तो यहाँ यमुना एक्सप्रेस पे थोड़ी दूर आगे बढ़ते ही हमारी गाड़ी हो चुकी है और पंचर, और यहाँ पर रिशु पंचर बनाने की कोशिश। तो पंचर यहाँ पे तो बन ही जाती, लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ गई। ये जो टायर है उसका एक नट नहीं खुल रहा है, जिसके लिए हमको मैकेनिक चाहिए। तो मैकेनिक को बुलाते हैं। तो ड्राइवर भैया जो थे वो तो मैकेनिक को बुलाने के लिए चले गए, और हम लोग यहीं हाईवे पे बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि मैकेनिक आए और हमारी गाड़ी का जो है पंचर ठीक करे। तो यहाँ एक्सप्रेस वे के चारों बगल का जो नज़ारा है वो देखने लायक है, चारों बगल हरियाली है। तो यहीं पर हम थोड़ा इंजॉय कर रहे हैं। तो फाइनली 1.5 घंटे के बाद हमारी गाड़ी का जो पंचर है वो मैकेनिक आके उसका नट खोल के चक्के का, और उसके बाद पंचर बनवाया और दूसरी टायर उसमें लगाया। तो अब यहाँ से चलते हैं नेक्स्ट अपने डेस्टिनेशन की ओर। तो वीडियो में बने रहिए, और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। रुक चुके हैं मथुरा में, और मथुरा में प्रेम मंदिर है जो कि यहाँ पे बहुत ही प्रसिद्ध है। तो प्रेम मंदिर में अभी होके जाएंगे और वहाँ का दर्शन करते हुए वहाँ का जो लुफ्त है वो लुफ्त उठाते हुए यहाँ से हम निकलेंगे। तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखें। और यहाँ से लगभग 2 या 2.5 किलोमीटर सो फाइनली अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर के मेन गेट के पास। तो यहाँ पे चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, और मंदिर के अंदर का जो नज़ारा है उसका लुत्फ़ उठाते हुए चलते हैं। तो मंदिर के अंदर जाते ही सबसे पहले आपको सामने में दिख रहा होगा ये गर्भगृह है, मेन मंदिर है, और यहाँ कई पब्लिक को देख कर आपको लग चुका होगा कि ये मंदिर यहाँ पे कितना प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे हम सारे दोस्त चलते हैं मंदिर के अंदर, आ चुके हैं, और चलते हैं मेन मंदिर की ओर। और यहाँ का जो चारों बगल का जो नज़ारा है, जो व्यू है, उसका लुत्फ़ उठाते हुए अंदर चलते हैं और इन्जॉय करते रहिए आप भी हमारे साथ वीडियो में। तो मंदिर के प्रांगण के अंदर जाते ही हमें सबसे पहले देखने को मिला राधा और कृष्ण, जो कि गोपियों के संग रासलीला कर रहे हैं, और झूले पे बैठे हुए राधा कृष्ण का यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। और चारों तरफ उन्हीं की प्रतिमा और उनका जो छवि है वही बनाया हुआ है चारों बगल पार्क के अंदर, मंदिर परिसर के अंदर। तो रात में मंदिर का नज़ारा और भी सुंदर हो जाता है, क्या है कि चारों बगल लाइटिंग लगी हुई है, और पर मिनट जो लाइटिंग का कलर चेंज होता है उसको देखने के बाद मंदिर और भी जो कलर का चेंजिंग है उस टाइम, तो और भी सुंदर लग रहा है। देख सकते हैं अभी पिंक था और उसके बाद फिर लाइट पिंक आया है, मंदिर और का आप देखते मेन रहिए गर्भगृह जिसे मंदिर का कहते कलर हैं जो है बहुत वो ही है, चेंज और होते आप रहता है, यहाँ से तो देख सकते हैं वो ये देखने मंदिर के में चारों बहुत बगल। ही एक बार अच्छा लगता सभी है। तो लोग चलिए चलते बोल हैं देंगे मंदिर राधे के राधे, और आगे। कमेंट में आप सभी लोग एक बार कमेंट में स्पैम कर दीजिए राधे राधे का।
तो वीडियो बनाने के चक्कर में हम हो चुके हैं अपने दोस्तों से दूर, हम वीडियो बनाने लगे और वो लोग लगता है बगल से आगे निकल चुके हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर, और बाहर जाने से पहले एग्जिट जो गेट है उसी के बगल में एक यहाँ पे फिल्माया गया है, यहाँ पे कालिया नाग का जो सर पे चढ़ के भगवान कृष्ण बचपन में जो डांस किए थे वो यहाँ पे फिल्माया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भगवान कृष्ण कालिया नाग के सर पे चढ़ त्यागी और मलिन त्यागी सूचना केंद्र पर बैठी हुई है, तुरंत आकर के खुले राधे राधे। और ये कालिया नाग में विराजमान है हमारे कृष्ण कन्हैया, देख सकते हैं जो जब बचपन में भगवान कृष्ण खेल रहे थे मतलब गेंद से, और उनका गेंद जा गई थी यमुना नदी के अंदर, तो जब वो अपने गेंद को लेने के लिए यमुना नदी के अंदर गए तो कालिया जो नाग है जिसके बारे में विवरण है हमारे कृष्णा में, और आप कृष्णा का जो सीन देखते हैं उसमें, तो कृष्णा का जो सीन है जिसमें कि कालिया नाग के ऊपर भगवान कृष्ण ने नृत्य किया था वो सीन यहाँ पे दर्शाया गया है। और चारों बगल जो हैं गोपियाँ और पूरे वृंदावन के जो भी वासी थे वो उनका सीन दर्शाया गया हो। तो यहाँ हम एग्जिट करके बाहर में खड़े हैं और अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं कि वो लोग आए और सारे लोग एक साथ जाएंगे। तो अभी हमको चलना है आगरा, तो रात में लगभग 9:30 के आसपास यहीं पे बज चुका है और हमको आगरा के लिए निकलना है, ताजमहल के पास जाना है। तो लेट हो रहा है, इस वजह से हम जल्दी ही मंदिर से निकल गए और अपनी गाड़ी लेके यहाँ से आगरा के लिए प्रस्थान करेंगे। तो यहाँ पे हमारे कुछ धार्मिक किताब हैं जो कि प्रेम मंदिर से जुड़े और भगवान कृष्ण से जुड़े सारे साहित्यों को दर्शाता है। तो यहाँ पे आप चाहें तो प्रेम मंदिर का क्या महत्व है और हमारे कृष्ण भगवान की जो सारे लीलाएं हैं, बाल लीलाएं और लीलाएं हैं, उन्हें आप इन किताबों के माध्यम से आप पढ़ सकते हैं और उनके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों और रिलेटिव के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।